हिंदुत्व में फैसिज्म इसको इसको तोड़ने के लिए एक ही ताकत तोड़ सकता है, वो अंबेडकरवाद। तो हमें पार्लियामेंट के भीतर आएंगे, हम लोग पार्लियामेंट के भीतर आएंगे, असेंबली के भीतर आएंगे, उसके बाद अपना हक छीनेंगे। मनोवाद को खत्म करके पावर के साथ, पॉलिटिकल पावर के साथ जब हम लोग सत्ता में आएंगे, हमें इतने सालों तक, इतने हजारों सालों तक अपना 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 हक से वंचित किया गया। आज अगर हम पावर में आते हैं तो पावर के साथ ये जो मनोवाद की ताकत इनको तोड़ेंगे। नमस्कार, मैं ऊर्जा और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के संसद मार्ग पे। यहाँ पे आप भीड़ देख पा रहे होंगे, हम आपको बता दें ये जो भीड़, ये जनसैलाब आपको दिख रहा है। आज जो है 14 अप्रैल है और बाबा साहेब की जयंती है, यानी उनका जन्म दिवस है। आज के दिन जो है वही उनका जन्म दिवस जो है मनाया जा रहा है। यहाँ पे आप पूरी नीली जो है क्रांति देख पा रहे होंगे, पूरे जो नीले रंग के हर जगह गुब्बारे लगाए हुए हैं और जगह जगह जो है स्टॉल्स देख पा रहे होंगे आप लोग। यहाँ पे जगह जगह स्टॉल्स लगे हुए हैं, लोग जो है यहाँ पे मौजूद है। लगातार हम आपको बता दें, जिन बाबा साहेब ने हमें संविधान दिया है, संविधान के उस पद, संविधान से ही देश चलता है और संविधान से ही देश चलता है। लेकिन आज की स्थिति अगर हम आपको बता दें कि जिस तरीके से 10 साल में जो स्थिति हुई है भाजपा की सरकार में, भाजपा सीधे तौर पर ये बोलती है कि हम अगर 400 पार लाते तो संविधान बदल देंगे। तानाशाही की ओर देश बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पे कुछ महिलाएं जो हैं वो मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं। मैम, आप कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई हैं आप? हम आए हैं वैसे यूपी से आए हैं, प्रतापगढ़ से, और यहाँ बदरपुर से आए हुए हैं। यहाँ आप क्यों आई हैं? यहाँ बाबा साहेब के जागरूक करने आए। हमारे बाबा साहेब क्या किए हैं हमारे लिए, आज खड़े हैं तो बाबा साहेब के बदौलत, भीमराव अम्बेडकर। आज उनका जन्म दिवस है, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत आभार है हम लोग बाबा साहेब, इतना अच्छा लग रहा है हम बता नहीं सकते हैं, बहुत। मतलब आपको लग रहा है कि जिस तरीके से बाबा साहेब ने जातिवाद खत्म करने की जो कोशिश करी थी, खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे बहुत खत्म हुआ है अपने समाज के, बाबा साहेब ने बहुत किया हम लोगों के लिए, बहुत किए बाबा साहेब। हाँ, मतलब खत्म हुआ है आज के समय में, कम हो गया है? हाँ बहुत कम हो गया, बहुत बहुत कम हो गया। तो यहाँ पे देखिए जो है महिलाएं जो है यूपी से, जगह जगह से यहाँ पे लोग आए हुए हैं, पूरा यहाँ पे जो है बाबा साहेब के समर्थक में आए हुए हैं कि बाबा साहेब ने जो हमें संविधान दिया है, जो जातिवाद खत्म करा है, हम उसके समर्थन में हैं। यहाँ पे देखिए किस तरीके से झंडे लेकर जो है जय भीम के नारे लगाए जा रहे हैं, झंडे लेकर जो है लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। सर सर क्या कहेंगे, आज जो है बाबा साहेब की जयंती है लेकिन टीवी अखबार ये खबर नहीं दिखा रहा है, आपको क्या लग रहा है संविधान जो है आज की स्थिति में खतरे में है? खतरा तो पूरा ही है संविधान पर, संविधान में पूरा ही खतरा है। आप देखो ना कि विधायिका के पास जो रोल है वो न्यायपालिका के पास नहीं है, अब न्यायपालिका जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती विधायिका में। अब जो मोदी के रूल बना रहे हैं अपने फुल सपोर्ट के साथ, वो न्यायपालिका को मानना पड़ेगा। हाँ। तो वो तो एक कठपुतली की तरह रह गई है। हाँ। तो कोई रूल ऐसा आना चाहिए कि विधायिका में जो भी बनता है उसमें इंटरफेयर कर सके न्यायपालिका। हाँ। तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज अगर ऐसा ही रहा तो वो अपनी फुल सपोर्ट से कुछ भी बना सकते हैं रूल्स। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, आज जिस तरीके का जनसैलाब देखने को मिल रहा है, तो आपको कुछ लग रहा है कि हाँ ये जो चीज़ें हैं कि संविधान जो बदलने की बात करती है सरकार, संविधान जो है लोग यहाँ पे जो एकत्रित हुए नहीं बदलने देंगे? देखो सपोर्ट तो यही है कि नहीं बदलने देना चाहिए, क्योंकि जो संविधान उन्होंने बनाई है अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, देश के हित में नहीं कर रहे हैं। अगर देश के हित में करते तो ऐसा होता ही नहीं कि हम सब यहाँ इकट्ठे होते, और ये हमारे लिए नहीं, ये हर एक समाज के लोगों के लिए खतरा है अगर संविधान में परिवर्तन हो रहा है। ये हमारे लिए एक समाज के लिए नहीं है, क्योंकि संविधान सभी के लिए है, वो समानता को देखता है, अगर उसमें एक बदलाव हो तो सभी समाज के लिए बदलाव है। तो यहाँ पे ये बहुत रिस्की तो है। हाँ। समझना तो पड़ेगा सभी को, और ये एक वर्ग को नहीं सभी वर्गों को समझना पड़ेगा। हाँ। तो मतलब लोग एकत्रित हो रहे हैं, लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जिस तरीके से संविधान बदलने की बात हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लगातार ये नारे लगाए जाते हैं, तो लग रहा है लोग एकत्रित हो रहे हैं सरकार के खिलाफ है। बिल्कुल है, और अब तो ये एक समाज की होनी है, और भी समाज इससे बहुत अवेयर हो रहे हैं और वो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। आप अगर देखोगे कुछ वीडियोस वगैरह, अगर आप देखो सोशल मीडिया का ज़माना है और आप रील्स वगैरह देखते हो, बहुत सारी कम्युनिटी ऐसी है अपार्ट फ्रॉम SC ST, वो भी सपोर्ट कर रही है, क्योंकि जैसे उनको अवेयरनेस हो रही है, उनको लोग की जानकारी हो रही है, तो उनको पता लग रहा है कि एक्चुअल में राइट्स उनको मिले कहाँ से है, तो इसलिए वो आजकल बाबा साहेब अम्बेडकर और उनके संविधान का सपोर्ट कर रही है, और दे आर ऑल्सो कमिंग फॉरवर्ड टू सपोर्ट द
कॉन्स्टिट्यूशन एंड बाबा भीमराव अम्बेडकर। यहाँ पे जो है हमने एक शख्स से बात करी तो ये कह रहे हैं कि लोग यहाँ एकत्रित हो रहे हैं और संविधान जिस तरीके से बदलने की बात की जा रही है तो लोग जो है अब संविधान नहीं बदलने की। यहाँ पे आपको जो जनसैलाब हमने आपको दिखाया उसकी तस्वीरें जो आपने देखी आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पे महिलाएं जो है यहाँ पे मौजूद है। मैम कहाँ से आई हैं? मैम मैं शाहदरा दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से ही हैं? हाँ जी मैम। तो क्या लग रहा है आज जिस तरीके से माहौल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मतलब बाबा साहब के सब समर्थन में है, जिस तरीके से जातिवाद उन्होंने खत्म करा है। हाँ जी मैम आप सही कह रही हैं, जातिवाद उन्होंने बहुत खत्म करा है और बहुत अच्छा है। यहाँ पे देखिए लोग यहाँ पे जाते नजर आ रहे हैं। सर क्या कहेंगे, जातिवाद जड़ से खत्म हुआ है कि नहीं? बिल्कुल खत्म होना चाहिए जी, बिल्कुल खत्म होना चाहिए। आप भी देखिए किस तरीके से जो है ये कह रहे हैं कि हाँ जातिवाद जो है खत्म होना चाहिए। अगर हम आपको ये बता दें कि जो है टीवी अखबार जो है ये खबरें पूरा जनसैलाब जो है टीवी अखबार नहीं दिखाएगा, लेकिन टीवी अखबार जो है मोदी सरकार को दिखाने में लगा है, मोदी को जो है मोदी का प्रचार प्रसार करने में लगा है। यहाँ पे देखिए जगह जगह आपको स्टॉल लगते हुए नजर आ रहे होंगे और यहाँ पे लिखा भी हुआ है पूरे बाबा साहेब की फोटो के साथ। अगर आपको दिखा दें इधर स्टॉल्स हैं और उधर भी स्टॉल्स लगे हुए नजर आ रहे होंगे आपको। और यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जितने भी समाज से आते हैं, जितने भी वर्ग से आते हैं, SC ST OBC के लोग, जितना संघर्ष हमारे बाबा साहेब ने किया मैं आपको बता दें, लोग जो है उनके समर्थन में इतना है। संविधान जिसने बनाया है उसके समर्थन में लोग जनसैलाब देखिए आपको नजर आ रहा होगा। लेकिन अगर हम आपको एक बात बता दें, जिस तरीके से होती है 10 साल की जिंदगी जो बात बता दें उसमें संविधान के संशोधन के बारे में बहुत बोला गया, संविधान बदलने के बारे में बहुत बोला गया है। यहाँ पे हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो यहाँ पे लोग जो लोग हैं पोस्टर लेके पूरा खड़े हुए हैं, बाबा साहेब की फोटो भी लगी हुई है। इन्हीं से दोबारा बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर क्या लग रहा है आज जो है बाबा साहेब का जन्मदिन है? हमें खुशी हो रही है कि आज बाबा साहेब जी के जन्मदिन है और उन्हीं के बदौलत हम लोग इस स्ट्रीट में घूम पा रहे हैं। तो आज भी जो है ये लड़ाई जो है जातिवाद की जारी है, जारी रहेगी अभी तक, जारी खत्म नहीं होगा तब तक जारी ही रहेगी। हम लोग जीरो तक लेके आएंगे अपने बापसा के थ्रू जितनी भी कोशिश हो पाएगी। हर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन का ऑपरेस्ट यूनिटी के लिए एक हमेशा ऑर्गेनाइजेशन रहना चाहिए, जैसे बापसा के जैसे सभी में। सर क्या लग रहा है आज की स्थिति देखते हुए, जिस तरीके से 10 साल में जो चेंजेस आए हैं भाजपा की सरकार में और उसके साथ साथ चेंजेस जो आए हैं ना, जो ये जो हिंदुत्व पैसेज हम इसको तोड़ने के लिए एक ही ताकत तोड़ सकता है वो अंबेडकर वाद। और हम प्रदेश में वो अंबेडकर वाद जैसा जितने संगठन एंटी का संगठन है वो खोल रहे हैं, आप देख सकते हैं बापसे से बहुत सारे संगठन हैं। तो आज हमें, मैं सबको मैं बता देना चाहता हूँ, आज ये जो हिंदुत्व पैसेज चल रहा है उसको लड़ने के लिए हमें अगर बाबा साहब के वजह से संविधान के वजह से हम पढ़ाई कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, तो हमें पार्लियामेंट के भीतर आएंगे, हम लोग पार्लियामेंट के भीतर आएंगे, असेंबलीज के भीतर आएंगे, उसके बाद अपना हक छीनेंगे। तो आज ये जो सेपरेटाइजेशन चल रहा है ना, इसके खिलाफ एंटी कास्ट मूवमेंट, अंबेडकर मूवमेंट पूरे देश में सबसे बड़ा मूवमेंट जो है उभर के आ रहा है। और हम इस ताकत के साथ, अंबेडकर ताकत के साथ, इस जो ब्राह्मणिज्म है ये जो सेपरेटाइजेशन को तोड़ेंगे। आप मनुवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं तो मनुवाद को कैसे खत्म करेंगे? मनुवाद को खत्म करके पावर के साथ, पॉलिटिकल पावर के साथ जब हम सत्ता में आएंगे, हमें इतने सालों तक, इतने हजारों सालों तक अपना 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 हक से वंचित किया गया, अपने सत्ता से वंचित किया गया, पॉलिटिक्स से वंचित किया गया। आज अगर हम पावर में आते हैं तो पावर के साथ ये जो मनोबद ताकत इनको तोड़ेंगे। आज की हालत क्या लग रही है दलितों के साथ, क्या कैसा व्यवहार हो रहा है? आप जगह जगह देखते होंगे पेशाब करने की घटना सामने आती है, एक केला उठा लेने में बच्चे को मार दिया जाता है। हाँ ये तो पहले से हजारों सालों से आ रहे हैं, ऐसे नया कोई कुछ है नहीं। तो आज मैं यही कह रहा हूँ कि आज हमें सत्ता का जरूरत है, हमें इंडिपेंडेंट ताकत का जरूरत, बहुत यूनिटी का जरूरत है, ऑपरेशन यूनिटी का जरूरत है। उसके थ्रू हमें ये जो जितना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है दलितों के साथ, आदिवासी के साथ, वुमेन के साथ, माइनॉरिटीज़ के साथ और तमाम जो अपर सेक्शंस हैं उनके साथ जो हो रहा है वो अंबेडकर बाद एंटी कास्ट मूवमेंट ही वो उसका हाथ छीन सकता है। तो अगर आपको बता दें यहाँ पे जो है पूरा ये कह रहे हैं कि जो है इस सरकार को ही शायद बदलना पड़ेगा, तभी जाके जो है ये पूरा जो मनुवाद और ये सब चीज़ें हैं यही खत्म होंगी। और इस तरीके से जातिवाद की जो राजनीति करती है भाजपा सरकार, अगर भाजपा सरकार है तो शायद संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, और अगर भाजपा सरकार दोबारा आ जाती है तो शायद चुनाव भी नहीं होंगे। यहाँ पे देखिए लोग जो है पूरा लेके जा रहे हैं बाबा साहेब की फोटो, तिरंगा हाथ में है, जय भीम का
झंडा हाथ में और लगातार झंडे आपको हम आपको दिखा दें यहाँ पे सब हाथ में लेके जा रहे हैं और लगातार जय भीम के जो है नारे यहाँ पे लगते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे स्टॉल्स वगैरह वहाँ पे देखिए किस तरीके से पूरी फोटो यहाँ पे लेके खड़े हैं, पूरी फोटो आपको जगह जगह दिख रही होगी जय भीम की। और यहाँ पे किताबें जो है वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे, संसद मार्ग भी इस वक्त मौजूद है, जगह जगह स्टॉल्स हैं, किताबें बुक्स वगैरह हर चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे किस तरीके से मनुस्मृति चलाई गई, क्यों ये सारी बुक्स जो है यहाँ पे मौजूद हैं, क्या पूंजीवादी एक बीमारी है, पूरी यहाँ पे बुक्स मौजूद हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें, लोगों से भी बात करिए हमने, लोग जो हैं एकदम जो समर्थक जो है नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, पूरे जो SC ST OBC के लोग हैं, जिस तरीके से बाबा साहब ने संघर्ष करा है जातिवाद को ख़त्म करने के लिए, उस हिसाब से लोग भी यहाँ पे दिख रहे हैं उनके समर्थन में और जन्मदिवस को बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं कि आज 14 अप्रैल के दिन बाबा साहब का जन्म दिवस है। बाकी इस पूरी वीडियो पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में।